बहराइच 7 मार्च। यूक्रेन में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत फंसे हुए सभी 15 छात्रों के सकुशल जनपद आगमन पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र कलेक्ट्रेट सभागार में बच्चों तथा उनके परिजनों से शिष्टाचार भेंट कर एक एक बच्ची तथा उनके अभिभावकों का कुशल क्षेम पूछते हुए उन्हें पुष्प तथा स्मृति चिन्ह के रूप में डायरी तथा पेन भी भेंट किया तथा ईश्वर से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र ने कहा कि जनपद का जिलाधिकारी होने के नाते उनके सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि सभी बच्चे सकुशल अपने अपने परिवारों के बीच पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय, प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा चरणबद्ध किए गए प्रयासों तथा माता पिता तथा परिवार के दुआओं के परिणाम में हमारे सभी बच्चे हम तक सुरक्षित पहुँच गए हैं। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्रालय तथा प्रदेश के मां मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हुए। उल्लेखनीय है कि मोहल्ला अकबरपुरा नई बस्ती निवासी मो आमिर वहीद, तहसील कैसरगंज के ग्राम हुजूरपुर निवासी रविंद्र कुमार शुक्ला व ग्राम सपसा निवासी शिवेंद्र प्रताप सिंह, तहसील पयागपुर के ग्राम मजौवा बनकर खरगौरा जुनूब के मो वसीम, तहसील नानपारा के शांति नगर रुपये डिहा निवासी अखिल कुमार त्रिपाठी, तहसील महसी के ग्राम महसी निवासी स्वांत रंजन तिवारी, बहराइच नगर के अकबरपुर निवासी विशेष यादव, सूफीपुरा निवासी अवनीश वर्मा व मो सलारगंज निवासी अरशद अहमद खान, तहसील महीनपुर व मोतीपुर के ग्राम बलसिंहपुर निवासी छात्रादित्य कुमार वर्मा, बहराइच नगर के मो घसियारीपुरा निवासी युवराज सोनी, मो डिगहा निवासी विशेषांक मिश्रा, तहसील कैसरगंज के ग्राम उपदी के अभय यादव, भखरपुर निवासी अंकित अवस्थी, तहसील सदर बहराइच के ग्राम चुरिया निवासी विनोद कुमार वर्मा सकुशल जनपद पहुँच गए हैं। तो उनका इवैक्यूएशन का प्रोग्राम कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा था उन लोगों को निकलने का, और हम लोगों की गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये कहा कि आप बॉर्डर आए यहाँ पे, बॉर्डर के बाद आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी निकलने के लिए। तो उनमें हमें यही डिफरेंस था कि उन लोगों को मतलब उनको कोई जरिया नहीं मिल रहा था निकलने का जाने का, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंस, वो थोड़ा ज़्यादा पैनिक थे इन चीज़ों को लेकर, और हमें थोड़ा ये सुकून था हम लोगों को कि हाँ हम यहाँ से अगर जो बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए कदम उठाया है। आगे की सुविधा भारतीय झंडा भी आप लोगों के काफ़ी काम आया जी, भारतीय झंडा हम लोगों के जब हम लोग हॉस्टल से बाहर निकले तो हम लोगों को मतलब